ये है भक्त शिरोमणि मीराबाई का महल। आइए इनकी जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको भारत के हर राज्य की कोने कोने की वीडियो दिखाते रहेंगे। इस चैनल पर आपको भागवत कथा, राम कथा का सीधा लाइव प्रसारण देखने को भी मिलेगा। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई के बहादुरी की कहानियां कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रचित थी। बाकी की कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई प्रतीत होती है। ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है, दरअसल उनके प्रशंसकों द्वारा लिखी मालूम पड़ती हैं। ये कविताएं भजन कहलाती हैं और उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। मीराबाई का जीवन आधुनिक युग में कई फिल्मों, साहित्य और कॉमिक्स का विषय रहा है। प्रारंभिक जीवन मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेरता में सन 1498 में एक राजपरिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और श्वसुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गयी और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। कृष्ण भक्ति पति के मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई।
ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मीरता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात सन 1538 में पुर के शासक राव मालदेव ने मीरता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों व तीर्थ यात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। मृत्यु ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गईं, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। मीराबाई को उनके देवर विक्रमादित्य ने मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ था। मीरा के बारे में प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है और विद्वानों ने मीरा की जीवनी को अनुपूर्वक साहित्य से स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें उनका उल्लेख है। मीराबाई का जन्म सन 1498 में पाली के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध में बाबर पहले मुगल सम्राट के खिलाफ उनकी हार के कुछ दिनों बाद उनके पिता और ससुर राणा सांगा दोनों की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उसके ससुराल वालों ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की। प्रयासों में मीरा को विष का गिलास भेजना और उसे ये बताना कि यह अमृत था और उसे आभूषणों की जगह सांप की टोकरी भेजना शामिल था। किसी भी मामले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सांप चमत्कारिक रूप से सोने का आभूषण बन गया और विष ने मीराबाई पर कोई असर नहीं किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार विक्रम सिंह ने उसे खुद को डूबने के लिए कहा। जब वह ऐसा करने का प्रयास करती है तो वह पानी पर तैरती रहती है। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनैतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी।
मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। अन्य कहानियों में कहा गया है कि मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया और तीर्थयात्राओं पर चली गई। अपने अंतिम वर्षों में मीरा द्वारका या वृंदावन में रही, जहां कीर्तनतियों के अनुसार वह 1547 में कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से गायब हो गई। जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण विद्वानों द्वारा चमत्कारों का विरोध किया जाता है, परंतु एक व्यापक सहमति है कि मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना, भक्ति के गीत लिखे और भक्ति आंदोलन काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि संत में से एक थी। मीराबाई की कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती हैं, ज्यादातर भक्ति गीत भजन के रूप में, हालांकि उनमें से लगभग सभी की शैली दार्शनिक है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की कविताएं राजस्थानी भाषा में गे पद हैं, जबकि हजारों छंदों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। विद्वान इस बात पर विभाजित हैं कि उनमें से कितने वास्तव में मीरा द्वारा स्वयं लिखे गए थे। उनके समय की उनकी कविता की कोई जीवित पांडुलिपियां नहीं है, और उनकी दो कविताओं का सबसे पहला रिकॉर्ड 18वीं सदी की शुरुआत का है, जो 1547 में उनके लापता होने के 150 साल से भी अधिक समय बाद का है। हिंदी और राजस्थानी मीरा की कविताओं का सबसे व्यापक संग्रह 19वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में मौजूद है। कविताओं की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न कारकों पर ध्यान दिया है, जैसे अन्य पांडुलिपियों में मीरा का उल्लेख, साथ ही कविताओं की शैली, भाषा और रूप। जॉन स्ट्रेटन हॉले चेतावनी देते हैं, जब कोई मीराबाई की कविता के बारे में बात करता है तो हमेशा एक रहस्य का तत्व होता है। ये सवाल हमेशा बना रहना चाहिए कि क्या हमारे द्वारा उद्धृत कविताओं और एक के बीच कोई वास्तविक संबंध है। ऐतिहासिक पन्नू की आदि ग्रंथ की पांडुलिपि का नाम भाई बन्नो वली बीर है, जिसमें मीराबाई की रचनाएं शामिल हैं। गुरुद्वारा भाई बन्नो साहिब कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में रखा गया। जब 1604 में आदि ग्रंथ संकलित किया गया था तो पाठ की एक प्रति भाई बन्नो नामक एक सिख को दी गई थी, जिसे गुरु अर्जुन देव ने इसे बाध्य करने के लिए लाहौर की यात्रा करने का निर्देश दिया था। ऐसा करते समय उन्होंने कोडेक्स की एक प्रति बनाई, जिसमें मीराबाई की रचनाएं शामिल थी। इन अनधिकृत परिवर्धनों को सिख गुरुओं द्वारा धर्मग्रंथ के मानकीकृत संस्करण में शामिल नहीं किया गया था, जिन्होंने उनके समावेशन को अस्वीकार कर दिया था। प्रेम बंबोध पोथी गुरु गोबिंद सिंह का एक ग्रंथ है और 1693 ई में पूरा हुआ। इसमें सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण 16 ऐतिहासिक भक्ति संतों में से एक के रूप में मीराबाई की कविता शामिल है। ग्रेटर देन मीराबाई की रचनाएं मीराबाई की निम्न रचनाएं विद्वानों द्वारा संकलित हैं। राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा। एक आवश्यक सूचना, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको भारत के हर राज्य की कोने कोने की वीडियो दिखाते रहेंगे। इस चैनल पर आपको भागवत कथा राम कथा का सीधा लाइव प्रसारण देखने को भी मिलेगा।
ये है भक्त शिरोमणि मीरा बाई का महल। आइए इनकी जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, धन्यवाद। मीरा बाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीरा बाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियां मीरा बाई के बहादुरी की कहानियां कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गईं। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रचित थीं, बाकी की कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई प्रतीत होती है। ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है, दरअसल उनके प्रशंसकों द्वारा लिखी मालूम पड़ती हैं। ये कविताएं भजन कहलाती हैं और उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। मीराबाई का जीवन आधुनिक युग में कई फिल्मों, साहित्य और कॉमिक्स का विषय रहा है। प्रारंभिक जीवन मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेरता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थीं और जब वे छोटी बच्ची थीं तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और श्वसुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। कृष्ण भक्ति पति के मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीरा बाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मीरता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात सन 1538 में
जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों व तीर्थ यात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। मृत्यु ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं।